भारत का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चीन है और आगे चीन को कड़ी टक्कर देने के लिए मोदी सरकार ने वो बड़ा फैसला ले ही लिया है जिसका उद्योग जगत को इंतजार था। दरअसल चीन के निर्माण केंद्र को टक्कर देने के लिए मोदी सरकार मेक इन इंडिया को आगे बढ़ा रही है, लेकिन मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले सामान और मेड इन चाइना तहत बनने वाले सामानों पर इनकी कीमत के आसपास हो। हालांकि मेक इन इंडिया के तहत सभी सामानों की गुणवत्ता चीन से काफी बेहतर है, लेकिन उनकी लागत चीन के मुकाबले काफी ज्यादा है, लेकिन इसी लागत को कम करना मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। दरअसल हाल ही में ये बात सामने आई थी, भारत में एक टन स्टील के उत्पादन में लगभग $450 खर्च होता है और जबकि चीन में एक टन स्टील के उत्पादन में $350 की ही लागत आती है। और इसी लागत के अंतर को कम करने के लिए और भारत को स्टील उत्पादन का केंद्र बनाने के लिए मोदी सरकार ने $70 अरब के निवेश का फैसला किया है। और मोदी सरकार के इस फैसले से ये दावा किया जा रहा है कि देश में 25 लाख से भी अधिक नौकरियों का सृजन होगा और जिससे बड़े पैमानों पे बेरोजगारी दूर होगी। दरअसल पेट्रोलियम मंत्रालय को संभालने वाले धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत के पूर्वी क्षेत्र में समृद्ध संसाधन मौजूद है और इसके बावजूद भी भारत के पूर्वी राज्य विकास के मामले में काफी पीछे है, लेकिन $70 अरब के निवेश का फैसला पूर्वी राज्यों को बहुत बड़ी ताकत देगा और भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में एक पत्थर की मील साबित होगा। और आने वाले समय में भारत के पास भी विनिर्माण की हर वो क्षमता होगी जो चीन, जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों के पास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और आगे ऐसे ही खास खबर देखने के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।